सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट एफ का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, और आज हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में थोड़ी सी एडवांस चीज़ें जानेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हमने देखा था कि प्रिंट एफ में आप हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन कैसे प्रिंट करा सकते हैं। सिंपल हेलो वर्ल्ड की आपने एप्लीकेशन प्रिंट कराई थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी समझ में नहीं आई थी, जैसे क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, तो कुछ फंक्शन भी थे और भी चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आई थी। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने देखा था कि प्रिंट एफ के अंदर आप हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर, प्रिंट एफ के अंदर आप कोई भी वैल्यू कैसे पास करा सकते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट डिक्लेरेशन मैंने तीसरी वीडियो में बताया था, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में तीसरी वीडियो देख सकते हैं कि स्टेटमेंट डिक्लेरेशन आप कैसे करते हैं। आपने कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया या फिर कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो मैंने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर वेरिएबल टाइप करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5 एंड सेमीकोलन। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें एक फंक्शन टाइप करना है क्लियर स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम वाली वीडियो में बताया नहीं था, दिखाया था, बट मैं बता रहा हूँ कि क्लियर स्क्रीन, फ्रेंड क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जिससे आप स्क्रीन को, जो कंसोल स्क्रीन है, लास्ट टाइम की स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया होगा, या फंक्शन में या कोई भी प्रोग्राम के अंदर पहले से ही कोई चीज़ होगी, कोई प्रिंट होगा, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्लियर स्क्रीन आपके डिक्लेरेशन के बाद ही आप लिख सकते हैं। अगर आप इससे पहले लिख देंगे, बहुत से स्टूडेंट्स को पहले लिख देते हैं, बट आपको डिक्लेरेशन के बाद ही क्लियर स्क्रीन लिखनी है। और इसका फ्रेंड्स यूज़ ये है कि आप क्लियर स्क्रीन करने से आप कोई भी जो भी पहले का आउटपुट है उसे भी क्लियर करा सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा इसे अलग से। तो क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में आपने ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर डबल कोट लगाया और आपने सेमी कोलन दे दिया। अब डबल कोट में अगर कोई वैल्यू में डाल देता हूँ, तो फ्रेंड्स वो स्टैटिक वैल्यू होगी, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। जैसे इसमें लिख दिया हेलो सब्सक्राइबर्स, तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी इसके अंदर। जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे, जैसे मैं कंपाइल करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, बट ये स्टैटिक वैल्यू है। बंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आप टाइप कर दीजिए परसेंटाइल डी। फ्रेंड्स, परसेंटाइल डी किस लिए यूज़ होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट एज स्पेसिफायर। परसेंटाइल डी, परसेंट डी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह यूज़ होता है। जैसे मैंने इसके अंदर डबल कोड में परसेंट डी कॉमा, उसके बाद वेरिएबल का नेम, ब्रैकेट और सेमी कॉलन। फ्रेंड्स इसको समझिए, जैसे हमने परसेंटाइल डी लगाया, अब परसेंटाइल डी के अंदर उसके बाद हमने दिया वेरिएबल का नाम, ठीक है, तो परसेंट डी उसकी वैल्यू को शो करेगा। परसेंट डी जहाँ लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ वो ए की वैल्यू को शो करेगा। और ए कौन सा है, जो हमने यहाँ पे ए इंट के अंदर वैल्यू दी थी। जैसे ए में अगर 4 है, तो यहाँ पे 4 शो करेगा। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आप 4 देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि आपका 4 शो हो रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, प्रिंट एफ ब्रैकेट, अब मैं लिखना चाहता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज 0, आई मीन द वैल्यू ऑफ ए इज 4, तो मैं कैसे लिखूँगा। सबसे पहले आप देखिए, वेरिएबल की वैल्यू एक जगह रहेगी, वेरिएबल एक जगह रहेगा। अब हम टाइप करते हैं यहाँ पे द डबल कोट के अंदर द वैल्यू ऑफ 4, सॉरी द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डैश जो आपको लगाना है, उसके बाद परसेंटाइल डी। परसेंटाइल जिसे मैंने आपको बताया, परसेंटाइल डी ए की स्पेस लेगा और आपकी आपको ए को शो कराएगा। तो देखिए इसे रन करा के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको द वैल्यू ऑफ ए इज 4 दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटर कीजिए इसे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको डबल वैल्यू, ट्रिपल वैल्यू शो करानी हो, तो आप कैसे करा सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर आपने ए की वैल्यू और एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने करा वाई इज इक्वल टू 5। सो फ्रेंड चलिए इसमें देखते हैं। अब मुझे 4 एंड 5 शो कराने हैं, इस तरीके से लिखना है द वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 5। तो फ्रेंड्स सेम एज बिफोर, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मतलब परसेंटाइल डी फर्स्ट, और फिर कॉमा ब्रैकेट जो आपको लगाना है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 के लिए दूसरा परसेंटाइल डी, क्योंकि हम परसेंटाइल डी इंट के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, परसेंट एफ
फ्लोट के लिए, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट एल एफ डबल के लिए। तो इसे आप और भी हैं जो आप यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके। तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4 एंड लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। द वैल्यू ऑफ 5 आई मीन द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 5। तो पहले आप एक परसेंट ही लिखेंगे, दूसरा परसेंट ही लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट के बाद कॉमा के बाद आप एक के बाद एक, जैसे आपने परसेंटेज जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो परसेंटेज बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, ए कॉमा वाई रेस्पेक्टिवली। अगर आपने ए वाई लिखा, अगर आपने वाई पहले लिख दिया तो वाई की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए कंपाइल करते हैं इसे। तो देखिए ये आउटपुट आ गया आपका। अब आउटपुट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 5। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक ऐड का फंक्शन बनाए, छोटा सा ऐड का फंक्शन बनाते हैं, ये हमने लिखा। अब मुझे ए और वाई को ऐड करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, द एडिशन ऑफ ए एंड वाई इज इक्वल टू, मैंने एक परसेंटाइल डी लिख दिया, इसमें फ्रेंड्स एक ही लिखना है क्योंकि आपको एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है। और आप कॉमा के बाद क्या करेंगे कि वाई प्लस ए या ए प्लस वाई आप लिख देंगे तो वो उसका एडिशन करके दे देगा। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप एक काम कीजिए, रन कराते हैं। सो देखिए ये आपका आउटपुट है, इसके अंदर आपको द एडिशन ऑफ 4 एंड 5 आपको 9 मिला, मतलब ए एंड वाई का। तो आप देख सकते हैं इसे, और भी इसमें आप मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जिसका नाम है स्कैन एफ। फ्रेंड्स स्कैन एफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है इनपुट लेने के लिए यूज़र से। जैसे मैंने आपको बताया था आउटपुट इनपुट, तो स्कैन एफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर आप चाहते हैं कि यूज़र, सिंपल कैलकुलेटर आपने एप्लीकेशन बनाई, मैं चाहता हूँ कि मेरे को एडिशन करना है, तो मैंने क्या करा, 4 पे क्लिक करा, एडिशन पे क्लिक करा मतलब प्लस पे क्लिक करा एंड दूसरी वैल्यू डाली 5, आपका इज इक्वल टू में आउटपुट आया 9। इसी तरीके से आप अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं सी लैंग्वेज में, तो आपको स्कैन एफ यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं स्कैन एफ का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है। स्कैन एफ ब्रैकेट डबल कोट फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि प्रिंट एफ में था, परसेंटाइल डी कॉमा। अब फ्रेंड इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा, आपको एंड लगा के वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है। जैसे वेरिएबल आपको पता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, कांस्टेंट की नहीं होती है, वेरिएबल की होती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। एंड के बाद वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आपको स्टोर करना है। अब फ्रेंड्स ये एंड क्या है, ये बहुत आपको बारीक से समझना है क्योंकि ये पूरा बेस एक तरीके से आगे वाली चीज़ों में भी एंड यूज़ होगा और पॉइंटर वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स एंड का मतलब होता है, जो हमने एंड लगाया है वो होता है एड्रेस के लिए। अब एड्रेस क्या होता है, तो फ्रेंड्स एड्रेस मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था कि कोई भी जैसे कंसोल स्क्रीन आउटपुट जैसे हम रन कराते हैं तो उसके बाद कहीं हर एक जगह का एक खुद का स्पेसिफाइड ऑलरेडी एड्रेस होता है। जैसे और एड्रेस वो किसी भी उसमें से होता है, कोई बाइट्स में होता है 0125 और कोई भी एड्रेस का नाम हो सकता है वहाँ पे, तो ये उसी एड्रेस को शो करता है। हम एंड ए करते हैं तो इसका मतलब जो ए का एड्रेस है आप उसमें ये वाली वैल्यू स्टोर करा दो। आप इसे खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको एंड लिखता हूँ, एंड के बाद वेरिएबल का नाम सबसे पहले हमारे ए का, ब्रैकेट सेमीकोलन। ये फ्रेंड्स इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। अब वैल्यू कैसे आती है इसके अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया, अब एक काम कीजिए आप इसे रन कीजिए। तो फ्रेंड्स आपने ये रन करा, रन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, स्क्रीन में एम्प्टी स्क्रीन है, खाली स्क्रीन है, क्योंकि वो आपसे आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके लिए आउटपुट के लिए वेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप जैसे इसमें 3 टाइप करते हैं और फिर 2 टाइप करते हैं तो इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि एक क्लिक पे ही आपका स्क्रीन आउट हो जा रही थी, बट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं क्योंकि आपने परसेंटाइल डी यूज़ किया है, परसेंटाइल डी फॉर इंट, एंड आपको कोई वैल्यू डालनी है तो आप 3, 2, 5 डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे ज़्यादा डालने के लिए आप फ्लोट यूज़ कीजिए या डबल यूज़ कीजिए या लॉन्ग इंट यूज़ कीजिए, जैसे मैं आपको बताया था। तो देखिए इसमें आपने मैंने 3, 2 डाला, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद ये एक बार और एंटर मांग रहा है। तो फ्रेंड्स एक फंक्शन मैंने आपको बताया था गेट सी एच, वो आपको इसकी अभी बताऊंगा मैं एक सेकंड में, वो गेट सी एच की वजह से ऐसा हो रहा है, होल्ड स्क्रीन करता है वो। मैंने एंटर दबाया तो ये वैल्यू चली गई, बट इस वैल्यू को हमने कुछ किया नहीं, हमने केवल इनपुट लिया और वो इनपुट गायब हो गया क्योंकि हमने उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, ना उसे प्रिंट कराया। तो चलिए फ्रेंड्स इसे प्रिंट कराते हैं। स्कैन एफ लिखा आपने, स्कैन एफ के बाद आपने वैल्यू ली। अब मैं प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, द वैल्यू यू एंटर्ड, द वैल्यू यू एंटर्ड परसेंटाइल डी, क्योंकि हम इंट प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा डबल कोट के बाद कॉमा,
एंड यहाँ पे आप डाल दीजिए उस वेरिएबल का नाम, क्योंकि वेरिएबल चेंजिंग वैल्यू होती है। तो मैंने ए लिख दिया, ब्रैकेट लगाया और बंद कर दिया। तो फ्रेंड चलिए इसे आउटपुट पे देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे देखिए ये एक ब्लिंक कर रहा है। अब मैंने इसमें एंटर कर दिया 5, तो 5 पे आप एंटर कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ में वैल्यू आ गई 5, यू एंटर्ड 5। सो इसी तरीके से आप बड़े आराम से और भी चीज़ें काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं और चीज़ों को। अब जैसे आपको यूज़र के लिए कोई स्क्वायर वाला फंक्शन बनाना कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकें, तो चलिए इसे बनाते हैं। स्कैन एफ, स्कैन एफ के अंदर द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ योर स्क्वायर इज़, अब वहाँ पे आपको स्क्वायर इज़ वैल्यू लिखनी है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, वैल्यू लिखने के बाद उसके अंदर एंड परसेंट में हम ए ले लेते हैं। ए ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ए ले लिया। अब ए की वैल्यू तो वहाँ पे चेंज 4 है, बट वो चेंज हो जाएगी ब्रैकेट। अब उसके बाद प्रिंट एफ कराते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट, प्रिंट एफ के ब्रैकेट के अंदर ए वैल्यू लिखनी है, परसेंटाइल लिखना है, बट ए इंटू ए, क्योंकि आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब किसी भी डेट का उसके अंदर ही मल्टीप्लाई। तो द वैल्यू ऑफ योर स्क्वायर, आई मीन द स्क्वायर इज, स्क्वायर ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू इज परसेंटाइल डी डबल कोट कॉमा ए इंटू ए। अब इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए और देखिए आपका कोड कैसे चल रहा है। कंपाइल कीजिए, रन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वैल्यू एंटर कीजिए 5, 5 मैंने एंटर किया। अब 5 के बाद 5 का मल्टीप्लाई 25, मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर आ गया 25। सो द स्क्वायर ऑफ योर वैल्यू इज 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसमें थोड़ी सी और फंक्शनिंग करके देखते हैं। क्योंकि देखिए आप जैसे ही आपने अपने आउटपुट स्क्रीन दिखाई, बट वहाँ पे कोई आया नहीं, मतलब एक सॉफ्टवेयर जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आपने सिंपल स्क्रीन आ गई। अब यूज़र को कैसे पता है उसमें क्या एंटर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोड लिख रहे हैं, आपको तो पता है उसमें क्या एंटर करना है, लेकिन यूज़र को नहीं पता है। तो थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, स्कैन एफ को थोड़ा नीचे कीजिए। अब प्रिंट एफ लिखते हैं, एंटर वैल्यू फॉर स्क्वायर, एंटर वैल्यू फॉर स्क्वायर, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ के बाद एक काम कीजिए, एक न्यू लाइन लिख लीजिए। न्यू लाइन मैंने आपको बताया था कि स्लैश एन, स्लैश एन से आपकी न्यू लाइन आ जाएगी नेक्स्ट लाइन से। तो स्लैश एन और स्कैन एफ मैंशन कर दीजिए और उसके बाद प्रिंट एफ एज इट इज़, जैसे हमारा आउटपुट आ रहा था। फ्रेंड्स अब देखिए कितना कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए अब कितना अच्छा आ रहा है। इसके अंदर आपको सबसे पहले एंटर वैल्यू बोल रहा है, तब आप एंटर करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू डालेंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू शो होगी। करिए देखते हैं 5। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी वैल्यू आ गई 25। तो फ्रेंड्स ये था प्रिंट एफ और स्कैन एफ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है उसके अंदर प्लीज़ बताइए। तो चलिए सबसे पहले गेट सी एच बोलते हैं, गेट सी एच बोलना बताना भूल गए। फ्रेंड्स गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर, गेट सी एच का मतलब है गेट सी एच कैरेक्टर। और फ्रेंड्स गेट सी एच फंक्शन केवल एक कैरेक्टर लेता है, और इसे बहुत से लोग होल्डिंग स्क्रीन, जैसे आप कोई स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं, आप इसे हटा देंगे तो इसको होल्ड नहीं कर पाएगा स्क्रीन को, और ये स्क्रीन को दिखाने से पहले ही वापस कर देगा। तो फ्रेंड्स गेट सी एच एक सिंगल कैरेक्टर लेता है, आपको एक सिंगल एंटर मारना पड़ता है। आप सिंगल एंटर मारिए, कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब आउट हो जाएगी स्क्रीन। तो ये केवल सिंगल कैरेक्टर लेता है, एक कैरेक्टर ए बी सी डी एक बार में। तो जैसे ही आप गेट सी एच पे ए दबा देंगे तो वो स्क्रीन आउट कर देगा। और फ्रेंड्स गेट सी एच कैरेक्टर लेने की हमेशा इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर आता है और सिंगल कैरेक्टर कोई काम करेंगे, और गेट सी एच ज़्यादातर होल्ड स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसे एक बार हटा के ट्राई कीजिएगा, आपको इसका यूज़ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये वीडियो हमारी आज की थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं, वीडियोज़ को कंटिन्यू कीजिए। और भी प्लेलिस्ट आने वाली हैं जावा, CSS, HTML वगैरह वगैरह की, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून एंड वॉच मोर।